पाकिस्तान से बड़ी खबर आपको बता दें, बताया जा रहा है कि कंगाली के बीच पाकिस्तान ने दुनिया भर के सभी दूतावासों में विदेश मुद्रा में पेमेंट रोक दिया है, जिससे दूतावास के कर्मचारियों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। हालात ये हो चुके हैं कि वहां पर दूतावास को अपना घर तक खाली करना पड़ रहा है। तो पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने ये बड़ा झटका दिया है उन तमाम कर्मचारियों को जो विदेश में हैं, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट पाकिस्तान की तरफ से रोक दी गई है। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है कंगाली की कगार पर। खबर है कि ये फैसला आर्थिक तंगी की वजह से लिया गया। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक डॉलर की कमी होने से पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने ये कदम उठाया। दावा किया गया कि अलग अलग देशों में पाकिस्तान के कई दूतावास कर्मचारियों को किराया न चुका पाने की वजह से उन्हें घरों को भी खाली करने के लिए कह दिया गया। असल में डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया तेजी से नीचे जा रहा है। एक दिन पहले ही पाकिस्तान के रुपये में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गयी थी। खबर है कि इसीलिए पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने विदेश में ये सिर्फ एक एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1,00,000 तक कमाते हैं, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ने दूतावास कर्मचारियों का पेमेंट रोक दिया। उधर इमरान खान के करीबी और पाकिस्तान के पूर्व मंत्री रहे फवाद चौधरी को इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कल जेल भेज दिया। उन्हें 3 रोज पहले लाहौर से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद ले जाया गया था, जहां की कोर्ट में पेशी के दौरान जमकर हंगामा हुआ। फवाद चौधरी को कोर्ट में लाए जाने की खबर लगते ही इमरान खान की पार्टी पीटीआई के सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थक कोर्ट के बाहर जमा हो गए। फवाद चौधरी के समर्थन में नारे लगा रहे कई कार्यकर्ताओं ने कोर्ट में घुसने की कोशिश भी की, लेकिन वहां मौजूद पुलिस ने सभी को बाहर ही रोक दिया, जिसके बाद इमरान खान के सैकड़ों समर्थक कोर्ट के बाहर खड़े होकर नारे लगाने लगे। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर मौजूद पीटीआई कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ के बीच ही पुलिस फवाद चौधरी को लेकर अदालत आई। वहीं जिस वक्त फवाद चौधरी को पुलिस अदालत ले आई, उस समय उसे कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि कोर्ट के बाहर मौजूद पीटीआई कार्यकर्ता और उनके समर्थकों ने पुलिस का रास्ता ही रोक रखा था। लेकिन इसके बाद भी पुलिस वाले फवाद चौधरी को कोर्ट के अंदर ले जाने में कामयाब रहे। और कोर्ट पहुंचे फवाद चौधरी ने आरोप लगाया कि उन्हें और इमरान खान को फंसाया जा रहा है। पुलिस ने फवाद चौधरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया, जिसने उन्हें जेल भेजने का आदेश दे दिया। और पुलिस जैसे ही फवाद चौधरी को लेकर कोर्ट से बाहर निकली, उसका सामना एक बार फिर वहां मौजूद भीड़ से हो गया। पुलिस किसी तरह फवाद चौधरी को लेकर गाड़ी तक पहुंच पाई। इस दौरान उन्होंने विक्ट्री साइन भी दिखाया। उन्हें पाकिस्तान के चुनाव आयोग के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इसी केस में कुछ रोज पहले उनके साथ ही इमरान खान के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया था, जिसके बाद इमरान खान पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गोली लगने के बाद सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें फोन तक नहीं किया था। पिछले साल नवंबर में आजादी मार्च के दौरान इमरान पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें वो पैर में गोली लगने की वजह से घायल हो गए थे। आजादी मार्च में घायल होने के बाद इमरान खान ये चाहते थे कि सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान उनका हालचाल जानने के लिए उन्हें फोन करें, ताकि पूरी दुनिया में ये संदेश जाए कि उनका मोहम्मद बिन सलमान के साथ कोई विवाद नहीं है। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक इमरान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कई बार क्राउन प्रिंस के आगे गिड़गिड़ाती रही, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान टस से मस नहीं हुए और उन्होंने इमरान खान को फोन नहीं किया।